पर एक मिनट रुककर या दो मिनट रुककर जाने वाला काम नहीं, तो इससे दोनों ट्रेन के बीच एक दूरी मेंटेन सिग्नल पर ट्रेन को रोकना होता है। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होता है तब ड्राइवर के पास कोई रिटर्न अथॉरिटी ना, क्योंकि इस एक्सीडेंट में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम से आई। अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के फांसीदेवा एरिया में 17 जून को 8:55 पर हुए ट्रेन एक्सीडेंट में सिग्नल में प्रॉब्लम बता रहे हैं, और जबकि कुछ का कहना है कि इसमें गलती मालगाड़ी की ड्राइवर की थी। तो इसमें आखिर हुआ क्या था, गलती है किसकी? देखिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस और ये गाड़ी एक ही ट्रैक पर चल रही थी, जिसमें कि एक्सप्रेस आगे थी और ये मालगाड़ी पीछे। लेकिन ये सिग्नल दो ट्रेन को एक लाइन पर मेंटेन कैसे करता है, पहले ये देखते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। ABS ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम रेलवे लाइन्स को ब्लॉक में डिवाइड करता है। इन सिग्नल्स पर व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक कलर में A लिखा रहता है, जो कि ऑटोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक ब्लॉक के एंड में एक्सल काउंटर लगा होता है, जो कि ट्रेन को डिटेक्ट करते हैं। और जब कोई ट्रेन इस एक्सल काउंटर को पार करती है, तो इस एक्सल काउंटर से सिग्नल ट्रांसफर होता है और वहां पर रेड सिग्नल हो जाता है, ताकि कोई दूसरी ट्रेन इस लाइन या ब्लॉक में चल रही हो तो उसको रुकना पड़े। तो इससे दोनों ट्रेन के बीच एक दूरी मेंटेन बनी रहती है, जिससे कि ट्रेन के कोलिशन टकराने का खतरा नहीं रहता, और ABS की मदद से एक ही सेक्शन में कई सारी ट्रेन को भी चलाया जा सकता है। इस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में सिग्नल यूज कैसे होता है, देखिए, ग्रीन सिग्नल का मतलब है लाइन क्लियर है, स्पीड से जाओ। डबल येलो का मतलब है सावधानी से आगे बढ़ो और ट्रेन की स्पीड को कम कर लो। और अगर सिग्नल अकेला येलो है, तो लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम रखनी है और सावधानी से आगे जाना है, क्योंकि आगे का सिग्नल रेड होगा तो उसे यहाँ पर रुकना होगा। अब दो पास के स्टेशन के बीच ये ABS सिग्नल लगे रहते हैं। अभी जैसे RNI से CAT तक टोटल 9 ABS लगे हुए हैं। अब जैसे ये 4 ABS के सिग्नल्स हैं और ये नॉर्मली ग्रीन में है, तो ट्रेन जैसे ही इस पहले सिग्नल पे आएगी तो एक्सल काउंटर इसे सिग्नल देगा ट्रेन आ चुकी है और सिग्नल अब रेड हो जाएगा। एक्सल काउंटर इन सिग्नल के कम से कम 120 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। अब ट्रेन दूसरे सिग्नल पे आई तो ये दूसरा भी रेड हो गया। अब ट्रेन जैसे ही इस दूसरे सिग्नल की 120 मीटर मिनिमम डिस्टेंस से निकल जाएगी, तो पहले वाला सिग्नल येलो हो जाएगा। अब ट्रेन तीसरे सिग्नल पे आई और ये थर्ड सिग्नल हो गया रेड। अब सिग्नल से मिनिमम डिस्टेंस 120 मीटर तक ट्रेन पहुंची और सेकंड जो रेड था वो हो जाएगा येलो। फर्स्ट सिग्नल जो येलो था अब वो हो जाएगा डबल येलो। अब ट्रेन पहुंची फोर्थ सिग्नल पर, फोर्थ वाला सिग्नल हो गया रेड। अब जैसे ही ये ट्रेन सिग्नल से 120 मीटर दूरी पर जाएगी, तो पिछला सिग्नल येलो हो जाएगा, उसके पहले वाला डबल येलो और उसके भी पहले वाला ग्रीन, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। देखिए, ग्रीन सिग्नल का मतलब है लाइन क्लियर है, जितनी स्पीड से जाना है जाओ। डबल येलो का मतलब है कि स्पीड कम करो, सावधानी से जाओ। और अकेला येलो सिग्नल का मतलब है कि आगे रेड सिग्नल है, अपनी ट्रेन की स्पीड यहाँ से कम कर दो और सावधानी पूर्वक आगे जाओ, और रेड सिग्नल पर ट्रेन को रोकना होता है। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर सिग्नल रेड भी है तो लोको पायलट फिर भी आगे बढ़ सकता है। ये चीज क्यों है ये आगे मालूम चलेगी आपको। लोको पायलट आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर सुबह का टाइम है तो एक मिनट रुकना होगा, और रात का टाइम है तो दो मिनट रुकना होगा, और स्पीड की लिमिट 15 किलोमीटर पर आवर रखनी होगी। अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो आगे का साफ साफ दिख रहा है, और अगर विजिबिलिटी खराब है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, ताकि ऐसे में आगे कुछ भी होने पर वो ट्रेन को रोक सके। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में रेड सिग्नल पर एक मिनट रुककर या दो मिनट रुककर जाने वाला काम नहीं चलता। इसमें तब तक सिग्नल क्लियर ना हो जाए तब तक ट्रेन नहीं चलती। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम से अलग है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ये ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकता जब तक ड्राइवर के पास कोई रिटर्न अथॉरिटी ना हो, लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में एक मिनट या दो मिनट रुककर वो जा सकता है। इसमें हमें सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों को सपोर्ट करता है। और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, इसमें एक ट्रेन स्टेशन से निकली और सिग्नल रेड हो गया, और ये सिग्नल तब तक रेड रहेगा, क्लियर नहीं होगा तब तक ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती, लेकिन इससे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पाता। तो हम इन सिग्नल्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस एक्सीडेंट में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम से आई है। देखिए, रेलवे बोर्ड का इस एक्सीडेंट को लेकर कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने इन सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया, इस ड्राइवर ने रेड सिग्नल को इग्नोर करते हुए अपनी स्पीड को कम नहीं किया, और ओवर स्पीडिंग के चलते ये ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग लोको पायलट, और 41 लोग इंजर्ड हो गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक। लेकिन ये बात पूरी गलत है कि इसमें गलती ड्राइवर की है। देखिए, रेलवे बोर्ड ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम डिफेक्टिव था, इसलिए गुड्स ट्रेन के ड्राइवर को रानीपत्रा के स्टेशन मास्टर ने रिटर्न TA 912 ऑथोराइजेशन दिया था। इसमें लोको पायलट को कहा गया था कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अभी डिफेक्टिव है,
तो तुम RNI से CAT तक सारे रेड सिग्नल्स को क्रॉस कर सकते हो, चाहे सिग्नल रेड हो, येलो हो, डबल येलो हो, तुम क्रॉस कर सकते हो। इनको इग्नोर करना और ट्रेन की स्पीड परमिशनेबल लिमिट के हिसाब से रखना। अब इसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस का लोको पायलट तो इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था, लेकिन गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। देखिए, नॉर्म्स में जब आपको ऑटोमेटिक सिग्नल रेड दिखे तो आपको रुकना होगा, वेट करना पड़ेगा। वहीं सुबह का टाइम है तो 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, और अगर रात का टाइम है तो आपको 2 मिनट के लिए रेड सिग्नल पर रुकना पड़ेगा, फिर वो ट्रेन आगे बढ़ सकती है स्पीड लिमिट के साथ। जैसे अगर विजिबिलिटी अच्छी है, सामने का सब अच्छे से दिख रहा है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर विजिबिलिटी खराब है, सामने का क्लियर ना दिख रहा हो, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है ट्रेन। अब रेलवे बोर्ड का कहना है, कंचनजंगा के लोको पायलट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में डिफेक्ट होने के बाद भी नॉर्म्स को फॉलो किया। उसने रेड सिग्नल पर ट्रेन को 1 मिनट रोका और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ा, क्योंकि मौसम खराब था, विजिबिलिटी खराब थी। लेकिन गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया और ये मालगाड़ी ओवर स्पीड में थी, इसलिए ये कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। लेकिन रानीपतरा के स्टेशन मास्टर ने इस मालगाड़ी के लोको पायलट को रिटर्न TA-912 ऑथोराइजेशन दिया था, जिसमें इस लोको पायलट को साफ साफ बोला गया था कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अभी डिफेक्टिव है। वैसे ये सिस्टम सुबह 5:50 से खराब था, तो इसमें साफ साफ था कि RNI से CAT तक 9 सिग्नल्स हैं और तुम इस सेक्शन में सभी रेड सिग्नल्स को क्रॉस कर सकते हो। गाड़ी नंबर 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी स्टेशन पर पहुंची, जो कि अगरतला से आई थी और सीलदा को जाना था। लेकिन ये ट्रेन RNI से CAT तक रुकी हुई थी, और ये रुकी क्यों थी इसका रीजन अभी तक पता नहीं। और फिर 8:42 पर ये मालगाड़ी रंगापानी स्टेशन पर आती है और 8:55 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से पीछे से टकरा जाती है। अब इसमें फॉल्ट है किसका? रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन जय वर्मा सिन्हा ने रिपोर्टर्स को बताया कि ये कॉलिशन गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने ऑटोमेटिक सिग्नल्स को डिसरिगार्ड किया, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, जिसमें रेड सिग्नल पर 1 मिनट रुकना और मिनिमम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना, ये था। और अगर वो इन नॉर्म्स को फॉलो करता तो ये कॉलिशन नहीं होता। लेकिन आखिर ये लोको पायलट इन नॉर्म्स को फॉलो करे क्यों? ILLRO इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय पांडी ने कहा, आप ये गलत कह रहे हो कि ड्राइवर को रेड सिग्नल के नॉर्म्स को फॉलो करना था, रुकना था वहाँ पर 1 मिनट के लिए और रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के साथ चलना था 10 किलोमीटर पर आवर अगर विजिबिलिटी खराब हो तो। लेकिन वो इसको फॉलो क्यों करे, जबकि उसे तो TA-912 अथॉरिटी दी गई थी, क्योंकि एक बार अगर ड्राइवर को TA-912 मिल जाता है तो वो किसी भी स्पीड से ट्रेन को चला सकता है, क्योंकि अथॉरिटी लेटर सजेस्ट करता है कि सेक्टर में लाइन खाली है। डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस ड्राइवर को सभी रेड सिग्नल्स को क्रॉस करने को कहा गया था, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम डिफेक्टिव था, और अथॉरिटी लेटर में किसी तरह की स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी मेंशन नहीं है। तो ये गलती ड्राइवर की कैसे हो सकती है?